नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आज झांसी में रैली, 20 और 21 नवंबर को लखनऊ में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बुंदेलखंड को पीएम मोदी आज देंगे स्वागत, झांसी में अटल एकता पार्क और महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करेंगे, साथ ही कई अहम योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले में नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो की होगी शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी वायुसेना को सौंपेंगे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आज झांसी में पीएम मोदी का विशेष कार्यक्रम। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में झांसी नोड में 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एलएसी विवाद जल्द सुलझाने पर भारत चीन सहमत, विदेश मंत्रालय ने कहा जल्द होगी अगले दौरे की सैन्य बातचीत, सीमा पर शांति बनाए रखने पर भी बनी सहमति। 1962 युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर आरबी जतर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एस्कॉर्ट, वीर योद्धा की खुद संभाली व्हीलचेयर। रजगला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पंजाब कांग्रेस में रार भटनी की फिर अटकलें, चन्नी के जत्थे में शामिल न करने पर नाराज हुए सिद्धू। 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को हाई प्रोटोकॉल देगा पाकिस्तान। पंजाब के सीएम चन्नी ने करतारपुर साहिब में टेका मत्था, 17 सदस्यीय जत्थे संघ पहुंचे थे दर्शन करने। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर साहिब जाने की नहीं मिली मंजूरी, अरविंद केजरीवाल ने कहा ऐसी राजनीति देश के लिए ठीक नहीं। काबुल से सिख समुदाय के 2 सदस्यों को भारत लाएगा वापस, गुरु नानक देव जी की 592वीं जयंती पर होगी वापसी, ईरान के रास्ते आज पहुंचेंगे दिल्ली। गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज पर फिर संकट, गुरुद्वारा कमेटी ने कहा गुरु पर्व के कारण मुमकिन नहीं। गुरुग्राम नमाज मामले पर तिलमिलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा भारत में मस्जिदों पर हमले चिंताजनक। कट्टरपंथी पाकिस्तान को भारत में अल्पसंख्यकों की चिंता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से की बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने की अपील। मुख्तार अब्बास नकवी का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान हमें न दे सके। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में ऐलान, राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग ने नई कोशिश की, दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार का एक्शन प्लान, दिल्ली से सटे 4 जिलों में अगले सप्ताह से ऑड इवन फार्मूला, सरकारी दफ्तरों में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम। अरुणाचल प्रदेश में सेना के एमआई 17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, बाल बाल बची 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स की जान। अमरावती में हुए दंगों के लिए शरद पवार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद ये लोग मति भ्रष्ट हो गए हैं। इराकी अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के खिलाफ याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई, नियमों की अनदेखी का आरोप। आज लगेगा सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण, ये चंद्रग्रहण पिछले 580 साल का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण होगा, ग्रहण की अवधि करीब 3.5 घंटे। रेलवे के यात्रियों को नई सौगात, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया पॉड होटल, यात्रियों की होगी तमाम सुविधाएं। यूपी में बीजेपी ने क्षेत्रवार प्रभारी की नियुक्त, अमित शाह को मिली ब्रिज और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर का प्रभार, काशी और अवध में मोर्चा संभालेंगे राजनाथ सिंह। चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, चुनाव प्रभारी और सब प्रभारियों को आला कमान के निर्देश, प्रभार बोले क्षेत्रों में 4 महीने तक करे अस्थायी निवास। यूपी चुनाव से पहले साधु संतों के चौखट पर बीएसपी, मथुरा में संतों के साथ बैठक करेंगे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। बीजेपी सांसद रवि कृष्ण का बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में तेजी से हो रहा विकास, अखिलेश यादव को दी ऊंची राजनीति नहीं करने की नसीहत। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा हमेशा संतों का अपमान करती है एसपी बीएसपी और कांग्रेस।
ओम प्रकाश राजभर का भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता निरहुल्ला पर विवादित बयान, कहा निरहुआ नचनिया है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार, प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर सकती है टिकटों के पहले चरण की घोषणा। लखनऊ में अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी, सौंपा 30 लाख रुपए का चेक, न्याय दिलाने का भी दिया भरोसा। रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच को लेकर प्रशासन का फैसला, फुल वैक्सीनेटेड या RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ दर्शकों को मिलेगी स्टेडियम में एंट्री। आईएएस के पाठक ने संभाली उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कमान, अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालते ही दिखाया एक्शन। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एम्स में कराया आंख का चेकअप, 1 महीने पहले हुआ था आंख का ऑपरेशन। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में सरकार और प्रशासन के दावों की खुली पोल, बेड नहीं मिलने की वजह से इमरजेंसी वार्ड में आए मरीज का स्ट्रेचर पर इलाज। बिहार के बाजारों में पहुंच रही है नकली दवाएं, दवाओं की जांच में 10 दवाएं पाई गई थी सब स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई का जताया भरोसा। मधुबनी में थानेदार की गुंडागर्दी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर तानी पिस्टल, साथ ही मारपीट की। गिरिडीह में महिला को बहला फुसलाकर जेवरात की लूट, बेटी की तबीयत खराब कहकर महिला को किया सम्मोहित, CCTV में कैद कर दी। देवघर में पोती ने दादी की हत्या, प्रेमी और पोती ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के बरखट्टा थाना में युवती का शव बरामद, गला घोटकर हत्या की आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 1 शख्स की हुई मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल, पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली। कैमूर में युवक की गला रेतकर हत्या, शव को नदी किनारे दफनाया। विक्रम के पैपुरा गांव के पास आहार से युवक का शव बरामद, 2 दिनों से लापता था मृतक। देवघर के डडवा नदी पुल के नीचे बुजुर्ग का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। हजारीबाग में कुएं से मिला शव, शव पूरी तरह से सड़ चुका था जिससे मोहल्ले में दुर्गंध आ रही थी। विक्रम के बागपुल गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया कोशिश, अधेड़ ने दिया पैसे का प्रलोभन, विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी। पटना गया SH1 पर एक बड़ा हादसा टला, धनरुआ थाना के बिरंची मोड़ के पास ट्रैक्टर से टकराई बस, बाल बाल बचे लोग। मधुबनी में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर। गया में बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरा चार पहिया वाहन, 6 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। गोपालगंज पुलिस ने सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा चमट से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया, शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पाकुड़ के लेटीपाड़ा में टेम्पो पलटने से महिला की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज जारी, टेम्पो चालक फरार। सासाराम के नोहट्टा में बाइक के ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत। सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने दी भाई की सुपारी, अपराधियों से चलवाई गोली, घायल का इलाज जारी, फायरिंग करने वाला आरोपी अंकित हथियार के साथ गिरफ्तार। भोजपुर जिले में बेखौफ अपराधी, सरेआम युवक कुमारी और हथियार लहराते हुए बड़े ही आराम से फरार, पैसे के लेनदेन के चलते दिया वारदात को अंजाम। जमशेदपुर के विष्णुपुर में CSM के कलेक्शन एजेंट से 8 लाख की लूट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को कार, 2 मोबाइल और 1 खोखे के साथ किया गिरफ्तार। नक्सलियों और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में RPF ने धनबाद से शख्स को किया गिरफ्तार, 3 दिन पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। गिरिडीह में बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी की, प्रशासन ने बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया, बालू माफियाओं में हड़कंप। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ एक पूरे परिवार को गिरफ्तार किया, पुलिस ने मां बेटा और बहू को देशी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हाजीपुर में पुलिस ने घर से 64 पुड़िया स्मैक और 80,000 रुपये नकद के साथ ललिता देवी को गिरफ्तार किया।
बेगूसराय में पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी का नामांकन करने पहुंचे एक उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य उम्मीदवार रामदेव इस साल 2007 से मारपीट के एक मामले से फरार चल रहा था। बांका जिले के कटोरिया में पुलिस ने नशे में धुत 4 शराबियों को किया गिरफ्तार। सभी शराबियों को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के बाद अल्कोहल लेने की हुई पुष्टि। नालंदा में शराब माफियाओं के खिलाफ डीएसपी डॉक्टर सिबली नुमानी ने सख्त कदम उठाया और सभी थानों में जाकर चालक से लेकर पुलिस पदाधिकारियों से क्लास ली। कैमूर में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त। मौके से पुलिस ने ट्रक चालक गिरफ्तार किया। 2900 रुपए कैश बरामद। बाढ़ के मोकामा से 10 लीटर शराब के साथ मां बेटा और बहू गिरफ्तार। आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना सिटी और फतुहा के विभिन्न गंगा नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पटना के पांच घाट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के साथ भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने किया नमन। पटना सिटी में गुरुपर्व को लेकर निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मंझलाडी पंचायत के अंतर्गत 11 गांवों में विकास की योजनाओं को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। गोपालगंज के सदर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल जांच कर दिया जाएगा प्रमाण पत्र। भागलपुर नमामि गंगे की ओर से गंगा सागर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते बृहस्पतिवार को गंगा मसाल मुंगेर पहुंची। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मुंगेर मसाल जुलूस का डीएम ने किया स्वागत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। जामतरा के बास पहाड़ी गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कार्यक्रम में पहुंचे। सिमडेगा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बांस जोर में शिविर का आयोजन किया गया। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन। जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना लक्ष्य। रांची में एक्शन में बिजली विभाग, 10,000 से ज्यादा बकाया होने पर बत्ती होगी कुल। कनेक्शन काटने के लिए विभाग ने की है गैंग की नियुक्ति। औरंगाबाद में नवीनगर स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी से निकलने वाले पानी से इंद्रपुरा और आसपास के गांवों के किसान खासे परेशान। बाढ़ में रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन परेशान। आरपीएफ के जवानों के गायब रहने के लोग करते हैं बदमाशी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।